तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि आप अपनी सफलताओं पर बहुत ज़्यादा खुश होते हो, खुशियाँ मनाते हो, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी क्षण असफलताओं का सामना करते हो तो उन पे भी विचार करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूँ द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है September 7, 2019 और डे है सैटरडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जो रिलेट करता था इंडिया और इंडिया के गोल्ड रिजर्व से। इस सवाल का सही जवाब है सी, 1 and 3 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इस सवाल की गलत स्टेटमेंट थी। आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है कि हम लोग प्रमोट करेंगे ईट राइट मूवमेंट को, उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है वो एक क्रूशियल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर है जिसकी मदद से हम लोग सोशल और बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अ जुडिशियस मिक्स ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स कंबाइंड विद सॉफ्ट इंटरवेंशन फॉर एंश्योरिंग अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फूड बिजनेस एंड सिटीजन्स अलाइक। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ये जो मूवमेंट है ये सरकार की जो फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम है जैसे पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इनके साथ पूरी तरीके से अलाइंड है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि 4 मेन फैक्टर्स जिसकी मदद से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है वो है हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ टबैको एंड एल्कोहल। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शंस है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ पेज नंबर 1। पहली खबर मिलती है, इंडस वैली सेटलर्स हैड अ डिस्टिंक्ट जेनेटिक लीनिएज। यहाँ पर बात हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जिसको हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको अगर हम लोग ट्रैक करें तो 2500 BC के आसपास की वो सिविलाइजेशन है। जो सिविलाइजेशन इस्टैब्लिश हम लोगों को होती हुई नज़र आई थी पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर और वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन के अंदर। जो ये पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खासकर जो इंडस रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरी हैं उसके अराउंड हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स देखने को मिलेंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर 4 बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली और चाइनीज सिविलाइजेशन। इसलिए इंडिया और चाइनीज का जो यहाँ पर हम लोग कल्चर रिलेशन देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराने पास से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जगह आपने ये भी सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया वाली तरफ से आए थे, खासकर ईरान का नाम यहाँ पर हमें घूमता हुआ नज़र आता है। पर यहाँ पर हमारे सामने एक स्टडी आई है, जो स्टडी है उसका टाइटल है एन एंशियंट हरप्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेपी पेस्टोरलिस्ट और ईरानियन फार्मर्स। ये स्टडी की गई राखीगढ़ी के अंदर। जो राखीगढ़ी है वो यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको 1997 के अंदर पहली बार फाइंड आउट किया गया था। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, ओके, इट इज द बिगेस्ट सिविलाइजेशन इन साइज। अब आपके लिए एक और छोटा सा सवाल यह है, आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताना है कि कौन सी सिविलाइजेशन, मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे छोटी साइट कौन सी है। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वो साइट पाकिस्तान के कराची के पास पड़ती है। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हाईलाइट करते हुए कुछ DNA को एनालाइज किया गया, ओके, राखीगढ़ी के अंदर जो हमें कुछ यहाँ पर स्केलेटन देखने को मिले हैं उनके DNAs को एनालाइज किया गया साउथ एशिया के अंदर जो और हंटर गैदरर्स थे उनके DNA के साथ। और यहाँ पर हमारे सामने जो बड़ी उपलब्धि आई वो ये है, ये इस बोर्ड का कहना है कि जो सेटल्ड पीपल थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो देवर ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन, वो इंडिपेंडेंट ओरिजिन के थे, वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया से ये भारत के अंदर नहीं आए थे, वो इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जो हाइपोथेसिस है कि हरप्पन समय में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर बाहर से आए थे, उन सब चीज़ों को नगेट करती हुई हम लोगों को ये स्टडी नज़र आती है। यहाँ पर इंडिविजुअल पॉपुलेशन को स्टडी किया गया, बोला गया कि जो ईरानियन रिलेटेड एंसेस्ट्री है साउथ एशिया के अंदर वो ईरानियन प्लेटू के लिनिएज से लेकर यहाँ पर 12,000 ईयर एगो के अराउंड हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट फार्मर्स ऑफ फर्टाइल क्रेसेंट कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू न्यू एंसेस्ट्री टू द लेटर साउथ एशियन रीजन।
यहां पर बताया गया कि रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली सीक्वेंस किया पहले जीनोम को जो कि इंडिविजुअल्स के हैं फ्रॉम दी हरप्पन, और उनको आर्कोलॉजिकल डेटा से यहां पर कंबाइन करने की कोशिश करी, बाकी जो साउथ एशिया के अंदर हंटर गैदरर्स थे उनके डीएनए के साथ मैच आउट करने की कोशिश करी। यहां पर जो हंटर गैदरर कम्युनिटीज है दे डेवलप्ड इनटू एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड फॉर्म दी हरप्पन सिविलाइजेशन, कोई बाहर से नहीं आए थे। यहां पर यह भी बोला गया कि हरप्पन लोगों की यहां पर जो प्रेजेंस है वो जैसे गोनूर है तुर्कमेनिस्तान के अंदर, सहारी सोख्ता है यहां पर ईरान के अंदर, वहां हम लोगों को देखने को मिली, बट वहां पे हम लोगों को जो देखने को मिली है वो ट्रैवलिंग की वजह से भी हो सकती है। हरप्पन जो थे वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ, इजिप्ट के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ और बाकी सारे साउथ एशियन रीजन के साथ भी, और वहां पर मूवमेंट होना लाजमी है। तो बोला गया कि इंडियंस हैड अ हेटरोजीनियस पॉपुलेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ। यूरोप के अंदर जो एंशियंट डीएनए स्टडी है उसने इस चीज को शोकेस किया कि एग्रीकल्चर टेंडेड टू स्प्रेड थ्रू अ इन्फ्लक्स ऑफ पीपल विद एंसेस्ट्री इन एंटोलिया, जो कि आज के डेट में मॉडर्न डे टर्की है। तो याद रखना टर्की का नाम क्या है, अनाटोलिया है। तो अनाटोलिया के साथ यहां पर मैचअप किया गया, देखा गया कि जो ईरानियन रिलेटेड एंसेस्ट्री है साउथ एशिया के अंदर दैट कम्स फ्रॉम अ लीनिएज दैट सेपरेटेड फ्रॉम एंशियंट ईरानियन फार्मर्स। ओके, तो रिसर्चर्स यहां पर ही बताते हैं कि शायद मूवमेंट ऑफ द पीपल नहीं हुई थी, इंडिजीनियस लोग थे, यहीं पे ही डेवलप हुए, यहीं पे ही सारा काम किया। तो जो पुरानी स्टडी है उनको नेगेट करते हुए हम लोगों को यह स्टडी नजर आई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 1, लैंडर विक्रम मूव्स इन फॉर ट्रस्ट विद मून। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, जो हमारा लैंडर है विक्रम उसके साथ यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया जब विक्रम मून की सतह से सिर्फ और सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था। ऑल्दो यहाँ पर ये जो मिशन है हम ये नहीं कहेंगे कि ये मिशन फेल हो गया है, अभी भी 95% ऑफ द मिशन हमारा सक्सेसफुल है। जो हमारा विक्रम था और जो हमारा प्रज्ञान था, जो हमारा रोवर है प्रज्ञान, विक्रम हमारा लैंडर है, देवर दी 5% पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। चंद्रयान 2 के अंदर 27 kg का रोबोटिक व्हीकल प्रज्ञान लगाया हुआ है। प्रज्ञान का मतलब होता है संस्कृत में विजडम, जो कि 500 meters तक ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम दी लैंडिंग स्पॉट। विक्रम यहाँ पर बहुत सारे सीरीज ऑफ ब्रेकिंग मैन्यूवर्स परफॉर्म करता, बट अब वो चीज़ें अभी हमारे पास नहीं आएंगी। चंद्रयान 2 से रिलेट करते हुए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे चंद्रयान 2 हम लोग ने GSLV Mark 3 की मदद से लॉन्च किया। चंद्रयान 2 इंडिया का दूसरा लूनर मिशन है, इसके अंदर हम लोगों ने एक ऑर्बिटर लैंडर जिसका नाम विक्रम है, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है उसे भेजा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इसरो ने यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करी सॉफ्ट लैंडिंग, ओके, किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सरफेस के ऊपर। चंद्रयान 2 के लिए जो टारगेट सरफेस है वो साउथ पोल ऑफ द मून चुना गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चंद्रयान 1 था 2008 के अंदर उसने हमें बताया कि मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे पानी की प्रेजेंस हो सकती है। अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर वी विल बी द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, क्योंकि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि विक्रम क्रैश हुआ या विक्रम लैंड हुआ है। ओके, अभी तक जितनी भी मून के ऊपर लैंडिंग हुई है वो मून के इक्वेटर के पास ही हम लोगों को नजर आई है। मूविंग ऑन पेज नंबर 1, खबर मिलती है मद्रास हाईकोर्ट चीफ जस्टिस टू रिजाइन। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय कमलेश तहिलरमनी, उन्होंने जो कि सीनियर मोस्ट हाईकोर्ट जज हैं हमारे देश की, उन्होंने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन का कारण है कि कोलिजियम ने यहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र कर दी है यहाँ पर मेघालय हाईकोर्ट के एक चार्टर्ड ब्रांच के अंदर, तो इसीलिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। बेसिकली रेपुटेशन का सवाल था इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम क्या है। कोलिजियम सिस्टम का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, बट 1998 के अंदर हमारे सामने 3 judges केस यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नजर आया, जिसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है उसको इंटरप्रेट करते हुए कोलिजियम सिस्टम सामने लाया गया कि हमारे देश में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सब अलग अलग काम करेंगे। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रांसफ़र, यहाँ पर जुडिशरी को ही देखनी चाहिए। कोलिजियम के अंदर बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 senior most judges होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा और किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या वो हाई कोर्ट के जजेस का हो। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, खबर है न्यूज़ मेजर्स टू फाइट डिसइंफॉर्मेशन। इस आर्टिकल के अंदर बात हो रही है फेक न्यूज़ के बारे में। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने इस साल के शुरुआत में यहाँ पर एक ट्रस्टेड न्यूज़ समिट को यहाँ पर सामने रखा था, जिसके अंदर ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म्स और पब्लिशिंग फर्म्स साथ में आए थे।
बीबीसी के साथ यहाँ पर ईबीयू, फेसबुक, फिनेंशियल टाइम्स, फर्स्ट ड्राफ्ट, गूगल, द हिंदू, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ऐसे बड़े बड़े और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था। द हिंदू इज पार्टनरिंग विद द बीबीसी, जिससे यहाँ पर जो डिसइंफॉर्मेशन है या जो फेक न्यूज़ है उसको टैकल आउट किया जा सके। इस कोलैबोरेशन के अंदर न्यूज़ और टेक्नोलॉजी मेजर्स यहाँ पर काम करेंगे अपनी ऑडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डिसइंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली खासकर वो इवेंट्स जो कि इलेक्शन के समय पर हमें होते हुए नजर आते हैं। ये जो समिट है, इट एग्रीड टू वर्क कलेक्टिवली ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स, चाहे वो क्रिएटिंग एक ऐसे सिस्टम को बनाने का हो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न कर सके डिसइंफॉर्मेशन से रिलेट करते हुए, यहाँ पर जो फेक न्यूज़ हैं उनको रोका जा सके और एक अर्ली वार्निंग भी दी जा सके। ओके, यहाँ पर ऑनलाइन मीडिया एजुकेशन कैंपेन भी चलाई जाएगी। मूविंग ऑन पेज नंबर 8, खबर मिलती है डिमोलिश मरादू फ्लैट्स बाय सितंबर 20 से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर जो फ्लैट्स बने हुए हैं केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि वो वायलेट करते हैं अपने कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स को, तो इसीलिए उनको गिरा दिया जाए, इन फ्लैट्स को यहाँ पर डिमोलिश कर दिया जाए। ये जो डिमोलिशन का जो प्रोसीजर है ये पिछले साल से चल रहा है, बट यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने यहाँ पर एक कंप्लेंट डाली थी कि उनको यहाँ पर नहीं बताया गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लेने से पहले और ना ही उनसे कोई बातचीत की गई है। बेंच ने अभी रिसेंटली रिफ्यूज़ किया यहाँ पर रेजिडेंट्स की प्ली को कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर रीथिंक किया जाए। अराउंड 400 फैमिलीज हैं जो कि इस जगह पर रहती हैं। आपके लिए एक बेसिक स्टफ जो कि इस न्यूज़ से रिलेट करता है, दैट इज़ द कॉस्ट कटअप। यहाँ पर सबसे पहले सवाल आता है कि ये सीआरजी कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन मतलब कि यहाँ पर जो हमारा कोस्ट के आसपास का जो रीजन है उनको यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल रीजन होता है, जो यहाँ उसके आसपास की जो ज़मीन होती है वो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से नहीं होती, और वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा तो वो हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने 2019 के अंदर कोस्टल रेगुलेशन जोन को अमेंड किया, तो 2011 वाले कोस्टल रेगुलेशन जोन थे उनको अमेंड किया गया है। क्या हुआ है मैं आपको एक चार्ट बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले है कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1, CRZ 1 के अंदर हमारे लिए जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो रीजन आते हैं, जैसे सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, टर्टल नेस्टिंग साइट्स, वो सब आते हैं। फिर आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2, आप कह सकते हो कि इसके अंदर अर्बन एरिया आते हैं, ओके, जिनके अंदर यहाँ पर लिमिटेशन होती है कि म्यूनसिपल लिमिट में कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर यहाँ पर बड़ा बदलाव आया कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 3 के अंदर, जिसको ए और बी कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया। ए कैटेगरी मतलब वो वाले रीजन जहाँ 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की यहाँ पर पॉपुलेशन है, वहाँ पर 50 मीटर फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन नो डेवलपमेंट जोन रहेगा। CRZ 3B का मतलब ये है जहाँ पर 2161 से यहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ पर 200 मीटर फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन कोई भी डेवलपमेंट जोन नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द थिंग। एक और होता है जिसे CRZ 4 जोन कहते हैं, जिसका मतलब होता है जो मैरीन इकोसिस्टम है उसके आसपास वाला एरिया। जो अभी रिसेंटली बदलाव हुए हैं वो क्यों हुए हैं, टूरिज्म को यहाँ पर बेहतर करने के लिए बोला गया है कि टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है होम स्टेज के अंदर। CRZ विल नॉट बार फॉर पब्लिक यूटिलिटीज़, जैसे रोड्स वगैरह होती हैं उनके लिए इसे बार आउट नहीं किया जाएगा। पेज नंबर 9, खबर मिलती है मेक अटैक ऑन डॉक्टर्स अ पीनल ऑफेंस। देखो, डॉक्टर्स के ऊपर अभी हमें वेस्ट बंगाल के अंदर अटैक होता हुआ नजर आया था, उसके बाद एक नेशन वाइड कैंपेन चालू हो गई कि डॉक्टर्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप यहाँ पर डॉक्टर्स के खिलाफ जो वायलेंस कमिट हो रहा है उसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हो उसको जल्द से जल्द यहाँ पर बताओ। देखो, जो वायलेंस होता है अगेंस्ट दी डॉक्टर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, इसको कंडेम करने की जरूरत है। स्मॉल हो या मीडियम प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट हो, उनको भी यहां पर ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन का। इसके साथ साथ हमारे देश में है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सन एंड इंस्टीट्यूशनल एक्ट, जिनको 19 स्टेट्स ने नोटिफाई कर दिया है पिछले 10 सालों में, बट ये जो पूरा एक्ट है ये हमें फेल नजर आया है, ये इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है। यहां बात हो रही है कि पनिशमेंट हम साथ में आए अगेंस्ट द मेडिकल फर्टर्निटी अगर कोई यहाँ पर वायलेंस करता है, जिसके अंदर 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का फाइन भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 9, खबर मिलती है क्रानियोफेगस ट्विंस हेड होम। तो ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
कि व्हाट इज दिस क्रैनियोफैगस, कि ये क्रैनियोफैगस क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं ट्विंस जिनके सर जुड़े होते हैं, ठीक है, वो जो फ्यूज्ड ब्रेन होता है जो स्कल एक साथ जुड़ा होता है उस कंडीशन को बोलते हैं कार्नियोफैगस। ओके, इंडिया के अंदर इकलौती सक्सेसफुल सेपरेशन हुआ कार्नियोफैगस ट्विंस का, जो कि ओडिशा से बिलोंग करते थे। एम्स के अंदर उनका यहाँ पर जो सर है उसे अलग किया गया और ये अपने आप में उपलब्धि है हमारे एम्स के लिए। मूविंग ऑन पेज नंबर 9, खबर मिलती है प्रिपेयर प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात हो रही है, मैं आपको बता दूं राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसके जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लान है उसे सामने रखो। जो बेंच है उसको हेड कर रहे थे एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। उन्होंने यहाँ पर एक जॉइंट कमेटी का गठन किया जिसके अंदर ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के। यहाँ पर जो कमेटी है उसको काम दिया गया कि एक्शन प्लान फॉर्म करे, ओके, जो सजेशन दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा उसके बेसिस पे। ओके, तो WII ने रिपोर्ट दी थी कि जो स्पीसीज है वहाँ पे पोचिंग के केसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आपके लिए आज का कुछ बेसिक स्टफ, दैट इज व्हाट इज दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखना क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी के अंदर आता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, इस चीज़ को भी याद रखना। जो उड़ने वाली बर्ड्स हैं उनमें ये हैवीएस्ट है। इसको आप लोग ब्लैक बक के, ओके, इनका यहाँ पर जो हैबिटेट है दिस इज सेम एज द ब्लैक बक। एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में देखने को मिल जाते हैं। हिस्टोरिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये वो स्टेट्स के नाम हैं इनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बट धीरे धीरे ये आइसोलेट हो रहे हैं टू द प्लेस ऑफ आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इसके साथ साथ इन्हें खतरा किस चीज़ से है? खतरा है इन्हें माइनिंग से, स्टोन क्वारलिंग से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, हैवी पेस्टिसाइड यूज से, ग्रास लैंड को जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, लैंड कन्वर्जन कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनसे खतरा है इन्हें। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा खतरा है, इनकी लैंड डिग्रेड हो रही है, ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इनको साइट्स अपेंडिक्स 1 के अंदर भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किया हुआ है। स्टेट ऑफ राजस्थान चलाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ पर बस्टर्ड की पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको फेंस आउट किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं जैसे राजस्थान के अंदर है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी, आंध्र प्रदेश के अंदर है रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मध्य प्रदेश के अंदर है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 10 एडिटोरियल सेक्शन। सबसे पहली खबर मिलती है बियर हग। यहाँ पे बियर हग किसने किसको दिया? बियर हग दिया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। इस आर्टिकल के अंदर उसी के बारे में बात हुई है कि इंडिया ने रशियन एडिशन लॉन्च किया है लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जिसको हम लोग कह रहे हैं लुक फार ईस्ट, क्या कहते हैं उसको, लुक फार ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पर 5th प्लेनरी सेशन चल रहा था। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को हम लोगों ने 2015 के अंदर रशिया ने लॉन्च किया था। मेन मकसद था कि जो एशिया पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ रशिया बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर सके। व्लादिवोस्टोक के अंदर ये मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर इंडिया ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि हम लोग $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे रशिया के फार ईस्ट रीजन के लिए। यहाँ पर इसकी मदद से जो इंडियन बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर मदद की जाएगी। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ अपोजिशन सवाल भी उठा रही है। अपोजिशन कह रही है कि क्यों यहाँ पर इतना बड़ा फैसला लिया गया, $1 बिलियन का क्यों फैसला लिया गया, क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि यहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्री दूसरी डेवलपिंग कंट्री को पैसे क्यों दे रही है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया जो हम लोग आगे डिस्कशन में लेंगे। पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें करेंटली अराउंड $10 to $11 billion का हम दोनों देशों के बीच में ट्रेड है, जो हम लोगों ने बोला है कि 2022 तक हम लोग $30 बिलियन का वो ट्रेड कर देंगे। पिछले साल ही देखो इंडिया ने बहुत सारे डिफेंस डील्स यहाँ पर रशिया के साउथ साइन आउट की, जिनकी कीमत $14.5 बिलियन की है। 50 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर एनर्जी सेक्टर से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, खासकर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई से। मैरीटाइम रूट खोलने की बात की गई है व्लादिवोस्टोक और चेन्नई के बीच में, जो कि यहाँ पर एनर्जी ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। बियॉन्ड दिस बायलेटरल एक्सपेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ पर मेन मकसद है रशिया के फॉरेस्ट पोर्शन में यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का, वो है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस।
सबसे पहला तो यही है, हम लोगों ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं वो हमारी कंपनी को मदद करेगा, क्योंकि हमारी कंपनी वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेंगी और वो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होगा वो यहाँ पर $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ जो अनस्टेबल वेस्ट एशिया है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, रशिया की ज़रूरत है। साथ ही फारिस्ट वाले रीजन के अंदर जो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो फारिस्ट वाला पोर्शन इट इज़ ऑफन निग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर रशिया इज़ सीन एज अ यूरोपियन पावर इन द पोस्ट सोवियत एरा, और इंडिया की यहाँ पर जो डिज़ायर है वो यही है कि रशिया की अटेंशन हम लोग ड्रॉ कर सकें और रशिया को दिखा सकते हैं कि हम आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। साथ ही अपने ट्रेडिशनल फ्रेंड को पास रखने की इंडिया कोशिश कर रहा है, इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि जो रशिया और चाइना के बीच में रिलेशन डेवलप हो रहा है उसके बीच में इंडिया रशिया को ये बता सके कि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो पहले भी अच्छा था और अभी भी इम्पोर्टेंट है। चाइना जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट कर चुका है पहले ही फार ईस्ट वाले पोर्शन के अंदर, वो अराउंड 71% है टोटल FDI का जो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर आती है, तो यहाँ पर चाइना को बैलेंस करने के लिए भी ये पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 10, खबर मिलती है ईजिंग द प्रेशर। हांगकांग के अंदर जो कंट्रोवर्शियल एक्सट्रेडिशन बिल है जिसके अंदर ये बात थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई क्रिमिनल ऑफेंडर हांगकांग के अंदर है उसके ऊपर जो यहाँ पर केस है वो मेनलैंड चाइना के अंदर भी चलाया जा सकता है, इसीलिए हांगकांग के अंदर हम लोगों को बड़ा प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आया, जिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को आज की डेट में वाटर रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। वाटर रिवॉल्यूशन का मतलब है कि लोग वहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी कैंपेन चला रहे हैं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, और ये सवाल खड़े करता है चाइना के वन कंट्री टू सिस्टम वाली पॉलिसी के अंदर। जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होने चाहिए गवर्नमेंट हैंडलिंग के ऊपर, ओके, तो यहाँ पर तो अब तो रोल बैक कर लिया है। 2014 के अंदर भी हांगकांग के अंदर हुआ था एक अम्ब्रेला मूवमेंट, वो क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेजर्स हैं, जो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाले मेजर्स हैं, उनको चाइना अमेंड करने की कोशिश कर रहा था हांगकांग के अंदर, ओके, तो यहाँ पर उस समय भी चाइना ने रोकने की कोशिश की थी, बट अब ये मूवमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 99 ईयर्स की लीज पे लिया हुआ है हांगकांग को ब्रिटेन से, 2047 के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें एक अनस्टेबल इकोनॉमी और बिजनेस एनवायरमेंटल चैलेंज की तरफ हांगकांग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस आर्टिकल से रिलेट करते हुए आपके लिए आज का बेसिक स्टफ है चाइना की वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट यहाँ पर 13वें हफ्ते में हम लोगों को एंटर होता हुआ नजर आया, और ये चाइना की जो डिकेड ऑल पॉलिसी है उसके ऊपर सवाल खड़े करता है। डिकेड ऑल पॉलिसी मतलब वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। चाइना ने हमेशा ही अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा है इस वन कंट्री टू सिस्टम वाली पॉलिसी के अंदर। इसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिकली जो आइडिया है टू सिस्टम इन वन कंट्री पॉलिसी का वो तब असलियत में सामने आया जब बीजिंग ने यहाँ पर ब्रिटेन और पोर्टुगल से बात करी हांगकांग और मकाओ को अपनी तरफ लेने के लिए। ब्रिटेन हैड टेकन द कंट्रोल ऑफ हांगकांग इन 1842 जब फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी। 1898 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट और किंग डायनेस्टी जो है चाइना की, उन्होंने सेकंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग साइन आउट किया जिसमें यहां पर अलाउ किया गया द ब्रिटिश टू टेक कंट्रोल ऑफ द आइलैंड जो कि हांगकांग के आसपास हैं, जिनको न्यू टेरिटरी के नाम से जानते हैं, और 99 ईयर्स की लीज के लिए यहाँ पर दिया गया हांगकांग को। सिमिलरली 1987 के अंदर चाइना और पोर्टुगल भी जॉइंट डिक्लेरेशन वाले एग्रीमेंट के अंदर आए थे। अब ये जो क्राइसिस है ये क्यों हुआ, रिसेंट ईयर्स में हम लोगों को देखने को मिला है कि हांगकांग के अंदर एक प्रो डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी एक्ट करती हुई नजर आई है जो कि चाइना के खिलाफ जा रही है। इसने यहाँ पर जो चाइना का जो यूथ है जो हांगकांग के अंदर रहता है वो कह रहा है कि उनको यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, दे कांट वर्क इन टू द वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। अभी रिसेंटली जो कैरी लैम है उन्होंने प्रपोज किया एक्सट्रेडिशन बिल जिसके अंदर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल केस के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके ऊपर केस मेनलैंड चाइना के अंदर भी चलाया जा सकता है। प्रोटेस्टर्स इस चीज़ के खिलाफ हमें सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 10, खबर मिलती है कॉल्स ऑफ ड्यूटी दैट विल हर्ट द US इकोनॉमी। ये आर्टिकल को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो US और चाइना के अंदर जो ट्रेड वॉर है वो हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आ रही है। US ने बोला हम चाइना के ऊपर और टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने बोला हम भी रिटेलिएट करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स हैं जो चाइना से यहाँ पर आते हैं US के अंदर वो एक एक्सेप्शन है इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर। यहाँ पर जो पूरा आर्टिकल है वो कह रहा है कि US एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना को ट्रेड वॉर के अलावा भी और चीज़ों में टारगेट किया। बोला है कि जो चाइनीज़ कंपनी है वो अमेरिकन कंपनीज को कह रही हैं कि जो तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आप हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दो। पर ये आर्टिकल हमसे एक बड़ा सवाल पूछता है कि US एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर डायरेक्टली वायलेट किया है मल्टीलेटरलिज्म के कॉन्टेस्ट को,
और अभी आपको याद होगा कि यूएस ने बोल दिया कि चाइना है करेंसी मैन्युपुलेटर, कि चाइना अपने यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो प्रैक्टिस है उसके अंदर थोड़े से बदलाव करता रहता है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में हमें यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न होता हुआ नज़र आया है, दैट इज़ सवाल ये है कि क्या जो अमेरिका के अंदर लोग हैं उनको कोई फ़ायदा हुआ है यहाँ पर बड़े स्टेप से? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं उसका कोई रिजल्ट हुआ है? इसका अगर आंसर बोलूँ तो इसका डायरेक्टली आंसर आप एक बिग नो लिख सकते हो, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि चाइना खुद अपनी मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी की सफ़र कर रहा है। और यहाँ पर इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ रहा है, और इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर चाइना को देखना चाहिए कि चाइना क्या कर रहा है और यूएस क्या कर रहा है और उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे कितना हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हम लोग हैं पेज नंबर 10 पे, खबर मिलती है एम्पावरिंग प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स। ये आर्टिकल आपसे एक बड़ा सवाल पूछता है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हम लोग क्यों बहुत सारे देशों से पीछे रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एशिया के अंदर चार देश हेपेटाइटिस बी को एलिमिनेट करने में कामयाब रहे, उसमें से हमारे देश का नाम नहीं था, तो क्यों हम लोग पीछे रहे हैं? कारण यह है कि हम लोगों ने हमारी कभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर गौर नहीं दिया। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मतलब होता है आपके आसपास के जो नज़दीकी क्लिनिक्स होती हैं। इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दिया गया, वो था जापान का, कि जापान अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और उसने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें हैंडल करने की भी कोशिश करी है। कारण क्या रहा? क्योंकि वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे वैद्य होते हैं, आसपास से क्लिनिकल डॉक्टर्स होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया। जापान की जो हिस्ट्री है मॉडर्न मेडिसिन के साथ वो बहुत पुरानी है। गवर्नमेंट के यहाँ पर लिमिटेड फंडिंग थी हॉस्पिटल्स में, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया यहाँ पर हॉस्पिटल्स के फंक्शंस को कि हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा और इन्फेक्शियस केसेस को यहाँ पर ट्रीट आउट करने में किया जाएगा। एक रेसिप्रोकल कनेक्शन यहाँ पर डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक के अंदर देखने को मिला और हॉस्पिटल्स के साथ देखने को मिला। बोला कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर ही काम करेंगे, प्राइवेट क्लिनिक के अंदर काम नहीं करेंगे। जापान के अंदर जो सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो 1927 के अंदर ही इम्प्लीमेंट हो गई थी। सोच के देखो, उस समय हम लोग आज़ादी से लड़ रहे थे। जापान के अंदर जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको मेन प्लेयर माना जाता है फी शेड्यूल के लिए। इसी के रिस्पेक्ट में अपने देश से अगर इसको कंपेयर किया जाए, हमारे देश में जो हॉस्पिटल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर रहा है उसने यहाँ पर शुरू से ही एक रूट पकड़ ली। हम लोगों ने फोकस किया कि हम लोग अर्बन हॉस्पिटल्स बनाएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवा के, और यहाँ पर जो मेन फोकस रहा हमारा वो रहा सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर और टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, यहाँ पर ना कि हम लोगों ने जो फोकस करना चाहिए था प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर वो हम लोगों ने किया। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको अलाउ किया गया कि वो यहाँ पर थोड़ी सी पावर बिल्डिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं और प्राइवेट यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारे देश की जो इंश्योरेंस स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान भारत, वो आज की डेट में इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है गरीब जनता को फॉर प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन, इस चीज़ की ज़रूरत भी है। बट बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर जो आसपास के जो डॉक्टर्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, वहाँ पर क्यों नहीं बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है? 1946 के अंदर एक कमेटी बनी थी, भोर कमेटी ने हाईलाइट किया था कि सोशल फिजिशियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। रिकॉग्नाइज किया था फैमिली मेडिसिन को कि फैमिली मेडिसिन एक सेपरेट स्पेशलिटी होनी चाहिए। मतलब हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं, जो जैसे आयुष डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, उनको फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस करने दिया जाए। जैसे मान लो नॉर्मल पैरासीटामोल, सेट्रेजिन या जिनटेक है, वो यहाँ पर एटलीस्ट उन्हें देने की एक उनके पास एक डिग्री हो, एक पावर हो। हाईएस्ट प्रोफेशनल बॉडी जो कि हमारे देश में डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पर आप लोगों को स्पेशलिस्ट का डोमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर से किसी का रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं, तो कभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर को हमारे देश में फोकस ही नहीं किया। करंट पोजीशन देखें तो यहाँ पर जो मिड लेवल प्रोवाइडर्स हैं अंडर द NMC एक्ट 2019, ये अलहदर एग्जाम्पल देता है पावर स्ट्रक्चर का। यहाँ पर एक प्रेवरेंस चल रही थी कि जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, ओके, जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, उनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए, शॉर्ट टर्म कोर्स दिया जाए 2 या 3 साल का, जिससे वो यहाँ पर एटलीस्ट रूरल पॉपुलेशन को तो ट्रीट आउट कर सकें। बट यहाँ पर जो प्रपोजल था वो यहाँ पर अपोज होता हुआ नजर आया एलोपैथिक कम्युनिटी से। एलोपैथिक कम्युनिटी नहीं चाहती थी कि जो आयुष वाले जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस करें यहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन। जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं, नॉन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो एक तरीके से हाफ बेड क्वैक्स हैं। दे कुड ओनली एंडेंजर द हेल्थ ऑफ रूरल मासेस।
उनको या तो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दो, नहीं तो उनको बिल्कुल बैन कर दो। बहुत सारे देश हैं जैसे यूके है, जापान है, उन्होंने यहाँ पर जनरल प्रैक्टिशनर्स को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, पेक्यूनरी और नॉन पेक्यूनरी टर्म्स दोनों चीज़ों के अंदर। इस पूरे आर्टिकल के तीन बड़े ब्रॉड टेक अवेज हैं। पहला, इट इज़ इम्पेरेटिव टू एक्टिवली बिगन रिक्लेमिंग ए हेल्थ, कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हम लोग रीडिज़ाइन करें, एक्सपेक्टेशन चेंज करें, ओरिएंटेशन रखें, मेडिकल प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखें। दूसरा, जो यहाँ पर प्राइमरी केयर प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी आवाज़ दे देनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और एक गेट कीपिंग मैकेनिज्म आना चाहिए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना प्राइमरी डॉक्टर से मिले डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास नहा जा सके, अनलेस कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। मैंने आपके साथ कल एक एडिटोरियल डिस्कशन में लिया था कि मेडिकल फील्ड के अंदर एक बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है सिलेबस के अंदर, क्योंकि आज भी जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत पुराने सिलेबस के ऊपर काम कर रहे हैं। अगला आर्टिकल पेज नंबर 12 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज़ अबाउट यूएपीए बिल। ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ओके, जो 2019 के अंदर आया था, उसने क्या किया, उसने यहाँ पर कुछ ये किया कि इंडिविजुअल्स को भी टेरर रिस्ट के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया कि जो NIA के जो डायरेक्टर जनरल है वो भी यहाँ पर एक पावर दे सकते हैं, यहाँ पर ही कैन ग्रांट कि यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी सीज आउट किया जा सके। साथ में NIA के जो इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं उनसे ऊपर के लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। UAPA के ऊपर बड़े सवाल आ रहे हैं कि सेंटर के पास सारी पावर दे दी, जुडिशरी पावर दे दी, क्या सेंटर यहाँ पर सही तरीके से काम करेगा? जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सेंटर ने गलत उनका नाम UAPA के अंदर लिस्ट कर दिया है, तो उन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, तो ये पिटीशनर एक ने यहाँ पर पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को कि यहाँ पर जो पिटीशंस हैं आप लोग रिप्लाई करो उन सारी की सारी पिटीशंस को। पिटीशन का कहना है कि UAPA 2019 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो इम्पोज कर सके एक इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ डिसेंट विच इज डिट्रीमेंटल टू आर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। पेज नंबर 12, खबर मिलती है इंडिया एंड साउथ कोरिया सीला लॉजिस्टिक पैक्ट। इंडिया और साउथ कोरिया ने एक दूसरे के लिए एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन आउट किया है। अब क्या होगा, अगर इंडियन शिप साउथ कोरिया के पास है तो साउथ कोरिया के पोर्ट में जाकर हम लोग फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल बायलेटरल डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन भी हमारे सामने आया, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर इस समय साउथ कोरिया की विजिट पर हैं, पांगयांग की विजिट पर हैं। ओके, एंड इंडिया विल बी एबल टू एश्योर लॉजिस्टिक सपोर्ट, ओके, जो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर सियोल की विजिट पर है, ओके, सॉरी नॉट प्योंगयांग, इट्स एट सियोल, सियोल की विजिट पर है। प्योंगयांग यहाँ पर कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की विजिट पर है, साउथ कोरिया की कैपिटल है यहाँ पे सियोल। ओके, और उन्होंने यहाँ पर किया कि लैंड, एरो, नेवल सिस्टम के अंदर भी हम लोग यहाँ पर कॉपरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑन, पेज नंबर 12, अपोजिशन क्वेश्चंस 8-2 रशिया। तो अभी मैंने आपको जब एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है कि हम लोगों ने रशिया को इतने पैसे क्यों दिए, बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री ने एक दूसरे डेवलपिंग कंट्री को पैसे दिए हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहली बार है कि हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट किसी एक यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को दिया। अभी तक हम लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को दे रहे थे। रशिया के GDP की फिगर के बारे में बात करें तो वो इंडिया से कम है। ओके, इंडिया का GDP अराउंड 2.6 trillion है, रशिया का 1.6 trillion है, पर जब पर कैपिटा GDP के बारे में बात करते हैं तो रशिया का हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारा है $2,014 और रशिया का है $10,061। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस डिसीजन को क्लैरिफाई करते हुए बोला कि यहाँ पर ये हम लोगों ने इसलिए किया है, बहुत सारे रीज़न है, खासकर चाइना, जापान और कोरियन इन्वेस्टमेंट को हम लोगों को मैच आउट करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें आया कि $1 billion और मोर प्रीवियसली एक्सटेंडेड ओनली टू बांग्लादेश, नेपाल एंड मंगोलिया। रशिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, P5 देश है, हमारी मदद करेगा UNSC के अंदर परमानेंट सीट के लिए। यहाँ पर ये जो पैसे दे रहे हैं उससे इंडियन बिजनेस को ही इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा। $10 billion प्लस इन्वेस्टेड बाय द रशियन सॉरी इंडियन ऑयल RSPSUs इन रशिया ऑयल मेजर्स। साथ ही जो फार ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे डिपॉजिट्स जैसे कुकिंग ऑयल, रेयर अर्थ मेटल, उनको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहेंगे। और हमारा मेन मकसद ये है कि 2025 तक जो टारगेट है वो है कि $30 billion हम लोग इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है उसे हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आज के आर्टिकल में हम लोगों के लिए थी। चलिए,
आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी खबरें थी। कैसा लगा आप लोगों को, लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।